और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोसिस बीमारी के बारे में। ये जो भैंस है इसको कीटोसिस हुआ है, और साथ ही कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है और ज़्यादातर ये गाय भैंसों में ब्याने के बाद और ब्याने से पहले हो जाती है। इस बीमारी में जानवर का बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है और जो दूध उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। चारा खाना पीना कम कर देता है जानवर, और एक स्थिति ऐसी आती है खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देता है। और जानवर में जो क्लियर कट सिम्टम्स आते हैं साथ ही जो इस भैंस में आ रहे हैं, अगर पशुपालक कोई भी रातव या खल या बाड़ घेरता है तो उसमें दो चार मुँह मारेगी और पीछे को हट जाएगी। और ज़्यादातर इसमें जानवर सूखा चारा खाता है, भूसा खाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि सूखा भी बंद कर देता है। तो टेम्परेचर नॉर्मल आता है, और साथियों जो आपके अकॉर्डिंग इसका वेट है बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है जो पशुपालक का कहना है, और जब ब्याई थी तो इसका अडर और जो शरीर है बहुत ज़्यादा भारी था, वजनीला था, और चर्बी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और जानवर जो है इस स्थिति में अपनी गर्दन जो है नीचे करके रखता है, और एक तरफ गर्दन करके नीचे रखता है, और जो वेजिनल है उससे डिस्चार्ज आने लगता है। तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं, और ये बीमारी साथ ही जो क्रिएट होती है ये जानवर के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अच्छी मात्रा में न मिलने की वजह से बीमारी का सामना करना पड़ता है। अभी बोतल चढ़ा दी है हमने इसको, और इलाज जो हमने कराए उसमें मैं बताऊंगा। तो 25% हमने साथियों डैक ये बोतल लेनी है 25%, जिसका नाम है वॉकट्रोज, और इसमें साथियों हमने इंजेक्शन डाले हैं 15 ml ट्राइबीवेट डाला है, टोनोफास्फोन डाला है, और 40 से 50 ml हमने इसको दोनों बोतलों में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दिया है, और साथ में एविल दिया है। और इंटरमस्कुलर की बात करूँ तो हमने इसको 20 से 25 ml हमने इसको बैरिनिल दिया है, और इसको हमने मेलोनैक्स दिया है। तो इस तरह से आप इलाज करें, और दो दिन तक साथियों आप इलाज करें, बोतल चढ़ाएं, और भगवान ने चाहे तो आपकी भैंस जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और ये बोतल चढ़ाने की बात की वीडियो है, इसमें जानवर को मूवमेंट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करने के लिए हमने इसको बोतल चढ़ाई है, जिससे जल्द से जल्द आराम मिल सके। हालाँकि ये भैंस बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैं ओनर के द्वारा इस वीडियो में बताऊँगा। तो साथियों कीटोसिस का आप ध्यान रखें, जब भी प्रेगनेंसी पशु उसको अच्छी से अच्छी डाइट दें, हरा चारा दें, अच्छी प्रोटीन मात्रा में उसको हरा चारा दें, तो ये बीमारी कभी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक। अब चारा से खा रही है? अब खा रही है, पहले से आ रहा हूँ 50%।